ऐसी ही क्लासिक मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड क्लासिक और बेल आइकन को प्रेस करें। मालूम होता है दफ्तर गया, दफ्तर जाओ तो पता चलता है घर गया। फिर गया कहां? लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। मेरे दिल में जब से टूटा तेरे नैन का तीर, रह कर बन गया वो तो तेरी ही तस्वीर, नींद नहीं आती है मुझको आराम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से, धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से, ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। तेरी बातें तेरे किस्से रहते हैं हर दम, महफिल हो या वीराना हो या कोई मौसम, डरते नहीं है हम कि
इश्क के अंजाम से ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है मेरा दिल तेरे नाम से ऐसा लगता है कि अब हम गए काम से। धड़कने लगता है। जवाब नहीं, मेकअप से हर औरत 17 साल की लगने लगती है, चेहरे की सारी झुर्रियां छुप जाती हैं, सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती दिखाई देती है। नहीं, हमारा पुत्र तो तुम्हारे पिताजी दिखाई देते हैं। पिताजी गए भाड़ में, तुम बेटे से बात करो। कोई भी बुरा बाप अपने जवान बेटे को किसी खूबसूरत लड़की के साथ देखकर खुश नहीं होता, डरता है। तेरा बाप दिखाई देता है। तुमसे कम करो मेरी बोलती बुलबुल, मेरी प्यारी चिड़िया, मैं अपने बाप का भी बाप हूँ। कोई भी इंसान अगर हमारे प्यार के रास्ते में रुकावट पैदा करेगा तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे कंधों में निचोड़ दूंगा। फेंके बच्चा, फेंके क्या पकड़ा है? पिताजी ड्रामे की रिहर्सल कर रहे हैं, उसका नाम है जवानी की तोप। किस उल्लू ने लिखा है? बेवकूफ, आज का नाटक कल का सच भी हो सकता है। जो तुम आज सीखोगे कल वही काटोगे। मैं तुम्हें घर से दफ्तर भेजता हूँ और तुम यहाँ आके इन चंद बेकार लोगों को जमा करके जवानी की तोप चला रहे हो। मैंने पहले ही उनसे कहा था कि बाप की तिजोरी में से 10,000 रुपया मार के लाओ तो अपनी खुद की ड्रामा कंपनी खोलेंगे। क्यों? करेक्ट। शट अप। मैं चुप रहूंगी। चलो मेरे साथ। चलो, तुम नहीं। मैं दुनिया से उड़ जाना चाहता हूँ। मोहन, छोड़ दे माँ। नहीं, छोड़ दे माँ, छोड़ दे माँ। कर रहा है। सेब खाना चाहता हूँ। सेब भी नहीं खाने देते। उधर पिताजी डांटते रहते हैं, डांटते रहते हैं। पगले, तेरे पिता जो कुछ भी कहते हैं तेरे ही भले के लिए है। उन्हें बड़ी उम्मीद है तुझसे। इतना बड़ा घर, इतनी बहुत सी जायदाद, लंबा चौड़ा कारोबार, अगर तेरे यही लक्षण रहे तो इस घर का क्या होगा, जायदाद का क्या बनेगा? कल रात भी तू तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चला गया, लेकिन तेरे पिताजी ने यहाँ फसाद खड़ा कर दिया। बेटा, बड़ी मुश्किल से समझाया है उन्हें। माँ, हाँ? मुझे भूख लगी है। ले, मैं तुझे खाना देती हूँ। क्या मां, सिर्फ 2 पराठे? तो मैं डाल लेता हूं, तो जल्दी से और ले आना। अभी देखो। ये पहले पराठे कहां गए? अंदर मां, अंदर। तेरी इन्हीं बातों पर तो जान जाती है। अगर इसी तरह तो हर रोज जल्दी घर आकर खा पी लिया कर तो कितना अच्छा। अरे माँ, आज मैं पिताजी के आने से पहले ही सो जाऊंगा। कहीं भागेगा तो नहीं? कमाल करती हो माँ। क्या ये? क्या माँ? चाबी। चाबी तू बाहर से ताला लगा दे, बंद कमरे में से कोई भी नहीं भाग सकता। माए कितनी भोली होती और बेटे कितने चोर। कहाँ है वो? अपने कमरे में सो रहा है। सो रहा है? हाँ, बाहर से मैंने ताला लगा दिया है, चाबी मेरे पास है। चाबी लाओ। क्यों, बंद कमरे से कोई भाग सकता है? यही मैं देखना चाहता हूँ। कहाँ है वो? ये तुम्हारा बेटा सो रहा है। रामदीन, रामदीन,
आमदीन फिर आमदीन चल उठ, भैंसे की तरह सो रहा था। देखो सर ऐसे दरवाजा बंद कर, पिताजी सुन लेंगे। चल चल चल। आमदीन गाड़ी रोकना। अनोखे, ओ अनोखे, क्या है यार वहां जा कर रहा, जल्दी आ, देर हो रही है। रोटी खा रहा हूँ यार, कमबख्त ऐसा लगता है जैसे चमड़े की रोटी है। चल चल जल्दी कर, नाटक का टाइम हो गया है। जल्दी कर, जल्दी कर रामदीन, जल्दी कर। पराठे लाया हूँ, बांट कर खाएंगे। पराठे जरा सा चबाओ, तुम मुंह में घी के फव्वारे छूट पड़ते हैं। प्यारे तू जैसे आजादी मुझे मिल जाए ना, तो मैं ये चमड़े की रोटी भी खाने को तैयार हूँ। प्यारे तू बड़ा ही खुश नसीब है, खुला मकान, ऊपर से खुला नीचे से खुला, ना आने पे पाबंदी ना जाने पे कैद। गर्मियों में क्या मजेदार आग बरसती और सर्दियों में आदमी बर्फ का गोला बन जाता। प्यारे फिर भी मेरी तरह गुलाम तो नहीं है तू, इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं घर में, लेकिन इंसान को बाहर आने के लिए खिड़की में से कूदना पड़ता। जी तू बहुत ही खुशकिस्मत। देख भाई जब तू चाहे मुझसे अपनी किस्मत बदल ले, मेरी आजादी तू ले ले और अपनी जंजीर मुझे पहना दे। एक दिन पहना भी दूंगा, याद रखना है। सिगरेट उगरेट है क्या? सिगरेट मांग रहे हो मुझसे जिसके पास माचिस भी अपनी नहीं है? अरे यार अगर मैं बेटा होता तुम्हारे जैसे बाप का तो 1000 रुपए की सिगरेट रखता अपने यारों और दोस्तों के लिए। क्यों बड़े मियां? करेक्ट। रामदीन गाड़ी रोकना, पान की दुकान पे जरा सिगरेट खरीदेंगे। लपट कर सिगरेट लेकर आ। है क्या होता है, तेरे बाप का माल है, चल जल्दी लेकर आ। कौन सा सिगरेट लाऊं आपके लिए? कम ऑन हैवी। जी क्या कर रहे हो, बेटे को सिगरेट की आदत डाल रहे हो? आदत तो है इसे, जरूरत पूरी कर रहा हूं। तुम्हें नहीं मालूम 100-100 रुपए के नोट फेंकता है ये। बाप से कहता है कि सिगरेट लाओ। और क्या चाहिए तुम्हें, नाटक नौटंकिया? गलती मेरी थी, मैंने सोचा था जो काम प्यार से हो सकता है उसके लिए लाठी क्यों उठाऊं। मुझे अब मालूम हुआ कि तुम इस घर में नहीं सुधर सकते, कभी बाप का दिल नहीं मानेगा और कभी मां का प्यार आने आएगा, इसलिए मैं तुम्हारा दूसरा इंतजाम कर रहा हूं। ये बिस्तर किसका है? तुम्हारा है। और ये सूटकेस? तुम्हारा है। और ये रेलवे टिकट भी तुम्हारा है। रेलवे टिकट? मां कहां भेज रहे पिताजी मुझे? उठी। यस यस, कैप्टन दयाराम जंग बहादुर रिटायर्ड जनरल स्पीकिंग। हेलो कैप्टन दयाराम भैया, सब कुछ तैयारी हो चुकी है, बिस्तर कसा हुआ है, सूटकेस बंद है, टिकट आ चुका है, लड़का सामने मौजूद है। क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि अगर मैं बहुत बिगड़ा हुआ लड़का तुम्हारे पास भेजूं तो तुम उसे सुधार के सवार के मुझे वापस कर दोगे? लड़के को भेज दो, मेरे पास सब इंतजाम हैं। सभी इंतजाम है? टिकटिकी टिकटिकी औच मां। क्या कहा? हथकड़ी, बेड़ी, अंधेर कोठड़ी, काल कोठड़ी। काल कोठड़ी मां, मां मां मुझे काल कोठड़ी क्यों भेज रही हो मां? क्यों क्यों बेटा, तुझे समझाया, उनके हाथ जोड़े। माँ तुम्हें नहीं मालूम माँ, जो काल कोठड़ी एक बार जाता है वहां से वापस कभी नहीं आता माँ। कैप्टन दयाराम मेरा बहुत पुराना दोस्त है, वो सारी जिंदगी जेल का कप्तान रहा है, तुम उसके पास कब तक रहोगे ये तुम्हारे हाथ में है, और वो तुम्हें किस तरह सुधारेगा ये उसके हाथ में है। मैं तो तुमसे हाथ धो ही चुका। चलो उठो मोहन। नहीं माँ मुझे नहीं चाहिए। अगले मैं कह रही ले। मुझे खाना वाना नहीं चाहिए माँ। क्या है? मिठाई है पिता। तुम्हें नहीं चाहिए तो लाओ इधर दो। नहीं माँ का दिल कैसे तोड़ सकता हूँ प्यारी माँ।
अनोखे साहब के घर चलो। साहब अनोखे बाबू भी आपके साथ जा रहे हैं। जा तो रहे हैं लेकिन रहेंगे कहाँ? मैं रहूंगा जेलर साहब के पास और वो प्लेइंग कार्ड, सिगरेट, टॉयलेट, इन सब चीजों के दाम हुए 325 रुपए। 325 नहीं, अगर 3325 भी हो तो क्या हुआ? पैसा तेरे बाप का या मेरे बाप का? जाओ। जी बहुत अच्छा। करेक्ट करेक्ट। मोहन कैसी शक्ल बनाता है तेरे की। सुबह से तुम्हें कह रहा हूँ आज से मोहन तू है। वो तो ठीक है मोहन, फिर मोहन, लेकिन लोग मानेंगे कैसे कि मैं मोहन हूँ? और ये काट की हंडिया पकेगी कैसे? पकेगी बेटा, और जरूर पकेगी। हमेशा कहते रहते हो आओ किस्मतें बदल ले, तो ठीक है। तुम चाहते हो आराम की जिंदगी, पकी पकाई रोटियां, है ना? ठीक है। मैं चाहता हूँ आजादी, मैं तो चाहता हूँ मुझे मिल गया। तुम तो चाहते हो तो मैं दे रहा हूँ अपना नाम। मुझे तो मंजूर है लेकिन वो लोग कैसे मानेंगे? वो लोग कौन? वही वही जहाँ तुम खुद जाने के बजाय मुझे भेज रहे हो, तुम्हारे पिताजी के दोस्त रिटायर्ड जेलर दयाराम और जन बहादुर। ठीक है लेकिन वो क्या जानते हैं कि मोहन कौन है? वो नहीं जानते लेकिन तुम्हारे पिताजी तो जानते हैं ना। जब तुम्हारे पिताजी को ये मालूम हो जाएगा कि बजाय तुम्हारे मैं वहां हूँ तो क्या होगा जानते हो? बीच में समुंदर नहीं पड़ता बेटा, तुम यहाँ आ जाना मैं वहां चला जाऊंगा। कह देंगे हल्का सा मजाक किया था, दो चार जूते खा लेंगे। जूते कैसी शक्ल बनाता है। चल चल अच्छा सा कोट पहन ले और जल्दी पहुंचा वहां। आज तेरी जिंदगी बनने वाली है बेटा, आराम ही आराम है आज से। जेलर साहब बहुत अच्छा आदमी, लेकिन बहुत नेक आदमी। लेकिन मोहन कुछ होगा तूने ना? मैं हूँ तू है ना? कह रहा है मेरे को बचा लेना। जाता हूँ। चल बेटा चारण देने मुझे गोटी के तो दूंगा। आपकी आपकी तारीफ? मुझे मालती कहते हैं। लेकिन ये सब क्या है? ये कैदी, ये वार्डन, ये घर है या जेल? पिताजी आपका कैदी पकड़ा गया। ओहो तुम ही मोहन हो? जी जी हाँ। तो स्टेशन से कहाँ भाग गए थे? जी जी आप नहीं मिले, मैं होटल चला गया नहा धो के, नाक की सीट, मेरा मतलब है नाक की सीट में सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। अब यहाँ पहुँच गए हो तो कभी भागने की कोशिश ना करना, जो भागते हैं उनका ये हाल होता है। एक दिन तुम्हें भी ये वर्दी पहनाई जा सकती है। जानते हो तुम्हारे बाप ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? जी नहीं। आदमी बनाने के लिए, और आदमी मैं तुम्हें बना के छोड़ूंगा। मालती यस, नोटबुक लाओ, इसका वजन और साइज नोट करो। सीधे खड़े हो जाइए, यहाँ खड़े हो जाइए। वजन 160 पाउंड। कद 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच, आराम से खड़े रहो। 47 इंच। गर्दन 17। ये गर्दन का नाप क्यों लिया जा रहा है? कालर के लिए? कालर के लिए नहीं, झालर के लिए। झालर देखिए कभी? नहीं। मालती इसे घर दिखाओगी तो झालर दिखा देना। चलिए चलिए। अटेंशन, क्विक मार, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कितना
बाबू का कमरा यही है, ये सब सामान उन्हीं का है, ये होल्डाल, वो टिफिन कैरियर, वो बैग, मुझे कप्तान साहब ने भेजा है सामान ले जाने के लिए, मैं ले जा रहा हूं। इधर आप, उठा सारा सामान। ये सामान आपका गया है, आप कमरा खाली कर रहे हैं, ओ आप बिल अदा कर रहे हैं। बिल? कैसा बिल? सभी चीजों का, रहने का, खाने का। अभी खाया क्या है, रहे कहाँ? पहले खाते हैं, रहते हैं, फिर बिल देते हैं। जो रहते हैं वो सामान चोरी से नहीं भिजवा देते। सामान? मेरा सामान तो मेरा सामान कहाँ गया? सामान कहाँ गया? सामान वहीं गया है जहाँ आपने भिजवाया है। टिफिन कैरियर? वो भी सामान के साथ गया है। क्या? टिफिन कैरियर में मेरे पैसे भी चले गए। पैसे टिफिन कैरियर में भेज दिए? हाँ, मेरे सब पैसे टिफिन कैरियर में थे। मैं इतना भोला नहीं। बॉय मालिक, इनसे पैसे वसूल कर लो। अच्छा, पैसा? पैसा नहीं है, हमारा मजाक उड़ाता है। लाओ मेरे बाप, पैसा कहां से लाओ? अपनी जेब से। मेरे बाप, लाता हूं, लाता हूं। मेरा सामान यहां से चला गया है, सामान में टिफिन कैरियर है, टिफिन कैरियर के अंदर पैसे हैं। मेरे बाप, देता हूं पैसे। ये लोग तो सारा सामान यहाँ ले आए, वो क्या करेगा बेचारा, क्या पहनेगा? कौन? मेरा दोस्त मोहन। मोहन? तो तुम कौन हो? मैं भी मोहन हूँ। आप तो जानते हैं मोहन मोहन में भी फर्क होता है, जैसे शुद्ध घी और वेजिटेबल में। सही मानों में असली वो है, नकली मैं। अंकल, अगर आप मेरे दोस्त से मिलेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। सच कहा था तुम्हारे बाप ने कि तुम किसी आवारा दोस्त को साथ लेकर आओ। देखिए ये रहा वो घर, आप बैठिए, आप बैठिए, आराम कीजिए, मैं अभी रुपए लेकर आता हूं, अभी आता हूं। अच्छा, यार मेरा सामान यहाँ आ गया है। सामान के पास तो मेरी मौत खड़ी है। बाहर मेरी मौत खड़ी है, जल्दी से कुछ रुपए देना, नहीं तो कहीं मुझे छुपा। छुपने के लिए तो यहाँ सिर्फ काल कोठरी है। तू तो मदद से जाके होटल में ठहरा, मैं यहाँ जेल में पड़ा हूँ। वाह बेटा, जेल में पड़ा है या किसी की जुल्फों के साय में खड़ा है? अपना हाल देख, बाहर यमदूत खड़ा हुआ है, दो चीजों में से एक जरूर ले जाएगा, या होटल का किराया या अपनी जान। क्या बात करता है? मोहन जी, अभी अभी जब मैंने तुम्हें पुकारा तो तुमने दोहरी आवाज में जी कहा था, मगर अब ये सिंगल आवाज। जी वो अंकल, शायद मेरे पिताजी ने आपको ये नहीं बताया कि मैं हर तरह की आवाज निकालता हूँ। मैं स्टेज पर सोलो भी गाता हूँ, डुएट भी गाता हूँ और कोरस भी। तो फिर गाकर बताओ। गाता हूँ वो फिल्म दंगली का गाना। हाँ सुना। क्या है कोई मुझे जंगली कहे, हाँ हाँ जंगली कहे, हाँ हाँ।
वेरी गुड अब डुएट हो जाए। डुएट? हाँ। लेकिन उसके लिए अंकल आपको मुंह उस तरफ करना होगा। क्या? मुझे मैं जनाना आवाज नहीं निकाल सकता। हाँ। इसलिए मुझे थोड़ी शर्म आती है आपके सामने। ऐसा? हाँ। चलो अब निकालो जनाना। निकालता हूँ। आप मुंह उधर। चाहे कोई मुझे जंगल निकाले, चाहे कोई मुझे जंगल निकाले, चाहे कोई मुझे जंगल। वेरी गुड ये क्या? टिफिन कैरियर से 3,000 रुपए निकले। टिफिन कैरियर से 3,000 रुपए? हे मोहन, तुम्हें मालूम था कि टिफिन कैरियर में रुपए हैं? यही तो मालूम नहीं था। अगर मालूम होता तो पराठों के साथ खाने लेता। थैंक यू। ये क्या कर रहे? आपको प्रणाम कर रहा था। ये प्रणाम था या प्राणायाम? कान तो छोड़ो तुम। पैसा मेरे कान से या मुझसे लेना? छोड़ो। तुम अगर भाग गए तो? मैं अगर भाग गया तो? अभी तक सोचा भी नहीं था। खैर तुम छोड़ो तो फिर सोचते हैं। अच्छा, सोच लिया। क्या आइडिया? बुरा नहीं है। किसका? भागने का। जो भी आता है धक्के देता हुआ आता है। यूं कहिए कि धक्के खाता हुआ आता है। बैठ जाइए, संभल कर बैठिए। आप अपने आप को संभालिए। अपने आप को संभाला नहीं जाता क्या? जी कोशिश तो बहुत की, लेकिन क्या किया जाए। इंसान जिंदगी के धक्के बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन इस लोकल बस के धक्के भगवान बचाए। टिकट? एक टिकट पुनर्वादा। दो टिकट? आप फिक्र मत कीजिए, मैं पैसे देता हूं। मारा क्या भैया? बस को यही रोक दो, मुझे यही उतार दो। मेरी माँ ने 3,000 रुपए रोटी के डब्बे में बंद करके मुझे दिए थे, और डब्बा कहीं और चला गया। यकीन कीजिए, मैं सच कहता हूं, प्रॉमिस। दो टिकट पुनर्वादा। ये लीजिए अपना टिकट, और ये 3,000 की कहानी किसी और से न कहिएगा, लोग हंसेंगे। बटुआ मैम साहब, श्रीमती जी। अरे रोकला रोकला रोकला। है जा, जान के मान चाहते हो तो बटवा इधर लाओ। कौन हो तुम? जो तुम हो, लेकिन तुम में और मुझे बहुत फर्क है। तुम लोगों की जेब कतरते हो और मैं जेब कतरों की। अबे हत्या की नकली पिस्तौल से थाएं थियों कर रहा। सीतरा मत कर। चल पैसे निकाल। सुन, कल शाम को 3 गैलन और ले जाना। हाँ चल भाई। आ गए गणपत? आ गया। कुछ कमाई हुई? कमाई क्या खाक हुई? 3 बार तो गाड़ी पंक्चर हुई। पंक्चर ठीक करवाया तो ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक ठीक करवाई तो पेट्रोल में कचरा आ गया। कचरा तुम्हारी नियत में है? हाँ? बाबा हिसाब पूछते हैं
और ये बिल निकाल के दे देता है। तो बाबा से कहो के रोल रॉयस ले लें। ड्राइवर ना बदल दे। हाँ, इसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। इस हाथ से चाबी लो और उस हाथ से हिसाब चुका दो। अभी हिसाब चुकाती हूँ। मास्टर, ये बटवा मीना दीदी का है। मीना, तुम उसे जानते हो? हाँ मास्टर, हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। बेचारी का बाप अंधा है, उसकी अपनी टैक्सी है, लेकिन ड्राइवर इतना उस्ताद मिला है कि उसके पल्ले कुछ डालते ही नहीं, इसलिए मीना बेचारी के स्कूल में डांस सिखाती। तो चलो बटवा लौटा दे तुम्हारी मीना दीदी को। हाँ मास्टर, चलो। जरूर उसी ने उड़ाया होगा कपर। किसने? एक लोफर, बस में मेरे साथ बैठा था। राजा, ये बटवा तू ही दे रहे उसे। अच्छा, आ रही है। ए दीदी, ओ दीदी, ए लो अपना पर्स। मेरा पर्स कहाँ मिला? चोर से दीदी, चोर से। चोर से? हाँ। वो गोरे से रंग का, लंबा चौड़ा। हाँ दीदी हाँ, अब पहले तो मैंने उसे ललकारा और फिर वार किया मैंने। दीदी वो भी बिगड़ उठा और टूट पड़ा मुझ पर। फिर क्या था दीदी? दीदी जैसे दो हाथी आपस में टकरा गए हो, जैसे दो खून की प्यासी तलवारें मैं से बाहर निकल गई हो। तुम कितने बहादुर हो राजा। इस पर्स में मेरी सारी तनख्वाह थी, समझ लो, महीने भर की रोटी, मकान का किराया। दीदी वो भी यही कह रहा था। क्या? यही कह रहा था? क्या सोच रही हो दीदी? सोच रही हूँ शायद वो चोर ना हो। मैं तो उसे देख भी चुकी हूँ, जाने उसके पास रहने के लिए घर भी है कि नहीं। हो सकता है वो कई दिन का भूखा हो। तुम्हें नहीं मालूम राजा, भूख की गोद में कितने पाप पलते हैं। जाने वो सब कहाँ है कि वो लवलहन होके भाग गया, कहीं छुप के अपने जख्म धो रहा होगा या सेक रहा होगा। वो पहलवान जी भाई, देखिए देखिए मैं अपने जख्मों को धोकर आ रहा हूँ। सिर्फ एक दिल का जख्म बाकी है। करेक्ट। ये लो तुम्हारा इनाम। इसकी क्या जरूरत है, हमें तो अपना इनाम मिल गया। जी मेरा मतलब है कि आपने बस के टिकट के लिए पैसे दिए और मैं इसके इनाम के लिए से पैसे दे दूंगा। जी। ऐसी खूबसूरत लड़की, ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। मास्टर, इस मोहल्ले में ये सब नहीं चलेगा। लड़की देखियो करती मोहब्बत। अरे मोहब्बत तो राजा मुझे सारी दुनिया से हो गई, मोहब्बत मुझे तुझसे भी हो गई। अरे पहले मेरे 5 रुपए तो निकाल। अब तेरे की तुझे 5 रुपए की फिक्र, यहाँ 5 वक्त से मैंने खाना नहीं खाया, मुझे भूख लग रही है। भूख लगी है तुझे? चल मेरे घर चल। चल मिलेगी तो बात खाएंगे। अच्छा, नहीं तो ठंडा पानी पी के सोते रहेंगे। आजा आजा। आओ मास्टर, आजा। और जरा संभल के मास्टर, मंदिर की तरह इस शीश महल में भी सर झुका के रहना पड़ता है। यार और कोई नहीं है क्या? मास्टर अपना इस दुनिया में कोई नहीं है, ये ऊपर वाला भी नहीं। देख मास्टर, तेरे को अच्छा लगे तो यहाँ रहे, नहीं तो रास्ता ना। यार तुमने कहा था यहाँ जो मिलेगा बांट खाएंगे, लेकिन यहाँ बांटने के लिए क्या है? लेकिन मास्टर मैंने ये भी कहा था कि नहीं मिलेगा तो पानी पी के सोए रहेंगे। संभाल के पी मास्टर, भूषण गीला हो रहा है। राजा एक सिगरेट चाहिए, एक सिगरेट। ले। ये क्या है? पिछले 4 दिन से मैं यही पी रहा हूँ, अभी आधा बाकी है। 2 क्रश मार के बुझा दे रहे, नहीं तो फिर कल सुबह मांगेगा। ए ले बेला, अब मैं तेरे लिए बिस्तर का इंतजाम करता हूँ। ये क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं, खटमल खटमल। शाबाश मास्टर, अब इस पे लेट जा। नहीं, जमीन पर, मैं इस शाही तख्त पर सोऊंगा। ये अपने सिर्फ शाही मेहमानों के लिए, नहीं तो मैं तुम्हें भी। उतार। चलो जल्दी जल्दी। कह
खटमल, खटमल मैं कैसे सो सकता हूँ यहाँ पे? मास्टर, आदमी को दिमाग मिला है और दिमाग को सोचने की शक्ति। अब तुम ये सोचो कि तुम एक शानदार पलंग पर लेटे हो, पलंग पर एक खूबसूरत मखमली गद्दा बिछा है, तुम्हारे सर के नीचे एक नहायत ही मुलायम रेशमी तकिया है, हाय, बाहर चांदनी खिली है और रात की रानी तुम्हें लोरी देके सुला रही है। तुम ये सोचो तो नींद की देवी अपने पंख तुम पे फैला देगी और तुम सो जाओगे। दुनिया के तमाम गरीब इसी तरह सोचते हैं और सोचकर इसी तरह सोचते हैं। जाने जहां जाने तमन्ना कहूं तो ही बता ऐ अजनबी आखिर तुझे क्या कहूं। मैं प्यार की नन्ही कली तू चाहे जो नाम दो तुम कौन हो क्या नाम है दुनिया को दी जिंदगी जीने वाले मेरे नाम पर जीने वाले मेरे नाम पर रहते हैं जिंदा मर के भी मैं प्यार की नन्ही कली तू चाहे जो नाम दो तू कौन है क्या नाम है जाने जहां जाने तमन्ना कहूं तू ही बता ऐ अजनबी आखिर तुझे क्या कहूं। आखिर
फिर तुझे क्या कमी प्यार की हंसती है फसलें गुल भी वही हम जहां भी साथ हो हंसती है फसलें गुल भी वही जाने तमन्ना कहूँ तुझे बता ऐ अजनबी आखिर तुझे क्या कहूँ मौजूद है ये रही शक्कर दानी और ये रही चाय दानी और ये रही दूध दानी अब पहले चाय डाली अब फिर दूध डाला शक्कर आप कितने चम्मच पियेंगे दो चम्मच ले लीजिए जरा संभाल के पहली तरह कच्ची मुझे हवाई चाय नहीं असली चाय चाहिए अब सोचना है कि इसके इंतजाम कैसे किया जाए ओ मास्टर असली चाय के लिए असली दूध चाहिए असली चाय की पत्ती चाहिए और असली शक्कर चाहिए जब तीनों में से एक भी ना हो तो चाय नहीं बनती ये तो कमाल दिखाना तुम्हें मुझे तुम इन तीन में से एक का इंतजाम कर सकते हो सिर्फ एक का ओ मास्टर तुम्हारी मीना दीदी यहाँ रहती है मीना दीदी अरे हाँ मैं वहां से सिर्फ चाय की पत्ती ला सकता हूँ चलेगा चलेगा तू लेकर आ लेकर आ
दीदी, मेरी नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत चले जाएगी। बात ये दीदी, घर में एक आके मेहमान ठहरा है, मेहमान को चाय चाहिए। और दीदी, दूध है, शक्कर है, सिर्फ चाय की पत्ती नहीं है। ये थैंक यू दीदी, यू आर ग्रेट, यू आर दी ग्रेट। बस कोई चीज की जरूरत होती है तो दी ग्रेट। मास्टर, ले आओ चाय की पत्ती, अब देखता हूँ बिना दूध और शक्कर के कैसे चाय बनाते हो। दूध और शक्कर का भी इंतजाम हो जाएगा, जैसे कि पत्ती का हुआ। तीन चीजें एक साथ मांगो, कोई नहीं देता। जा, अब थोड़ी सी शक्कर ले। ए मास्टर, जा, जा, जा। दीदी, अब क्या हो गया? दीदी, घर में दूध भी था, शक्कर भी थी और चाय की पत्ती यहाँ से ले गए था, लेकिन जो आके मेहमान ठहरे हैं ना, उनकी शान मुलाजा हो, पड़ोस से चम्मच दो चम्मच को शक्कर मांगने आया था, जनाब ने पूरा टीन उसके हवाले कर दिया। अब शक्कर चाहिए। दीदी, मेरी प्यारी दीदी, जितनी चाहिए ले लो, बाकी वापस कर देना। हाँ दीदी। अरे सुनो, वापस करना जरूर। हाँ दीदी। अच्छा जाओ, ये रही शक्कर। अब लेकिन दूध लेने मैं नहीं जाऊंगा बाबा। अरे दूध खुद ब खुद यहाँ आएगा। वो कैसे? अभी देख तू, फर्ज कर कि ये मटकी दूध से भरी थी और ये मटकी मेरे हाथों से निकल गई, दूध सारे फर्श पर फैल गया। अब तू चिल्ला, मुझे गालियां दे। अरे लेकिन मास्टर, मैं गाली कैसे दूंगा यार? कहे कि मैंने दूध क्यों गिराया। हाँ हाँ, तुमने दूध क्यों गिराया? और जोर से डांट। हाँ हाँ, जोर जोर से डांटूंगा। मेरे बाप का कोई दुधाले नहीं खुला है, समझे? रात भूखा रह के तुम्हारे लिए दूध लाया था। जहाँ से चाय आ सकती है, जहाँ से शक्कर आ सकती है, वहां से दूध भी आ सकता है। नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता है। आ सकता है, सज्जन अगर हाथ दे तो उसे खा लेना नहीं चाहिए। चिल्ला क्यों रहे हो? दीदी, लो तुम्हारे लिए चाय लाई हूँ। चाय? अरे दीदी, हमें तो सिर्फ दूध चाहिए था, वो भी मेहमान के लिए। अरे भाई, तुम्हारा मेहमान हमारा मेहमान है। अरे मेहमान कहाँ है? नमस्ते। आप? दीदी, बेचारा गरीब आदमी है, रहने के लिए कहीं ठिकाना नहीं था, मैंने कहा भी मेरे शीश महल में आ जा। चलो अच्छा किया, चाय लीजिए। चाय का शुक्रिया। तुम भी लो। थैंक यू दीदी। सुनिए सुनिए, हमारे यहाँ जो मेहमान आता है बगैर कुछ खाए पिए यहाँ से नहीं जा सकता। अच्छा। जी हाँ, शीश महल का रिवाज। राजा, शीश महल का तख्त बिछा दे बेटा। अभी हल्दी। आई 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 आई, बैठिए बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, शाही तख्त है। हाँ जी। चाय पी, आधी आधी कर लेते। जी मैंने फिर भी पीजिए ना, आधी आधी। अच्छा ये लीजिए। कैसी? बहुत मीठी। किसी के मीठे हाथों ने बनाई है? पीछे पीछे पीछे। एकाएक क्या सोचने लगी? अभी अभी ये तीन चीजें थी, दूध, शक्कर और चाय। आन की आन में तीनों मिलके एक हो गई। यही तो दिलों का होता है, पहले दो होते हैं, फिर घुलते हैं, मिलते हैं, मिलके एक हो जाते हैं। यही आंखों का होता है, मिलती हैं, फिर मिलती हैं, फिर मिलती ही रहती हैं। ओ कॉल फ्रॉम बॉम्बे, गेट आउट। ओ दीवान बद्रीप्रसाद, हाउ आर यू? अरे मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? हाँ बुलाता हूँ, बुलाता हूँ। तुम्हारे बाप का ट्रंकल। बाप? बाप? बाप नहीं, बाप नहीं, मैं नहीं, मैं गधा। गधा कहीं गया? क्या कहा? आज तुमसे नहीं, मोहन से कह रहा था, तुम्हारे साथ बात करने से घबराता है। मगर यहाँ तो इस तरह रहता है जैसे मुंह में जबान ना हो, पर काट दिए हो किसी ने। चलता है तो जमीन पर साया तक नहीं पड़ता, बोलता है तो गले से आवाज नहीं निकलती। अभी चार दिन आए हुए हैं तो बर्फुरदार बन गया है, साल भर रह गया तो देखना क्या बनाकर बेचता हूँ। हेलो, बात करो, बात करो। पिप्पी, पिप्पी तो जी। देखा, लफ्ज गले में अटक गया है। क्या कहा? ओ भाभी बात करना चाहती है।
अरे माँ से तो बात करो, करो करो। माता जी बेटा 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 ओ माता जी, प्यार रोकर बोलता है। भाभी समझेगी कि मैंने तुम्हें फांसी पे चढ़ा रखा। भाभी वो बिल्कुल ठीक है, घबराना नहीं। हर हफ्ते उसका वजन लंबाई चौड़ाई सब की रिपोर्ट भेजा करूंगा। हाँ, भाभी भाभी लो चाय पियो। बस प्याले से? और कैसे पियोगे? जैसे पहले पी रहा था, आंखें पी रही थी, आंखें पिला रही थी। अरे भाई चाय तो कब की खत्म हो गई, अब क्या कब सासा भी पी जाओगे? वरना घायल कर देता, दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता। वरना घायल कर देता, नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू, अपने रंग में हम भी कम न थे कर देते बेताबू। मिलती आँख तो वो भी देखते मेरे प्यार का जादू, अपने रंग में हम भी कम न थे कर देते बेकाबू। नजर बचा कर चले गए वो, वरना घायल कर देता। दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। गर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते, वो हसीन है मैं जवान हूँ सारे भेद खुल जाते। घर वो ठहरते मेरे सामने दिल पे तीर चल जाते, वो हसीन है मैं जवान हूँ सारे भेद खुल जाते। नजर बचा कर चले गए वो,
वरना घायल कर देता, दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। कब तलक यूं छुपेंगे वो अपने निशान दिखला के, एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। हमसे कब तलक यूं छुपेंगे वो अपने निशान दिखला के, एक रोज तो आ ही जाएंगे मेरे पास शर्मा के। नजर बचा कर चले गए वो वरना घायल कर देता, दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। नजर बचा कर चले गए वो वरना घायल कर देता, दिल से दिल टकरा जाता तो दिल में अग्नि भर देता, वरना घायल कर देता। मेरी जान, मेरी दिल रुबा, सच बात तो यह है कि तुम्हारी नजरों ने मुझे घायल बना दिया, अदाओं ने पागल बना दिया है, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सर से पांव तक एक दिल बना दिया। वो दिन कब आएगा जब हम दोनों एक हो जाएंगे? जब तुम सारे इम्तिहान पास कर लोगे। इम्तिहान? मैं ट्रेक एफए बीए में सब इम्तिहान पास कर चुका हूँ। मोहब्बत के इम्तिहान तो जल्दी लो, मेरा इम्तिहान बीए पास से मुझे बीबी पास बना दो। फरहाद ने शिरक की खातिर पहाड़ काटकर दूध की नहर बनाई थी, मेरी खातिर तुम क्या कर सकते हो? फरहाद ने सिर्फ एक पहाड़ काटा था, मैं गवर्नमेंट डेयरी फार्म से दूध की बोतलें लेकर दुनिया की सारी दीवारें तोड़कर तुम्हारे पास आ सकता हूँ। यकीन ना हो तो देख लो। ये किसकी तस्वीर है? लड़की है, बहुत खूबसूरत है, मैं उसे प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। प्यार? ओ, प्यार प्यार प्यार, अरे वो पीत के पुजारी, जरा पेट पूजा का भी ख्याल करो, चल के कुछ काम धंधा तलाश करो। अच्छा तो ये जनाब कोई काम काज नहीं करते? मजनू क्या काम करता था? ऑफिस में क्लर्क था, टाइपिंग करता था, क्या काम करता था मजनू? मजनू साहब, हिंदुस्तान में जब ये कानून बन जाएगा कि खाना सिर्फ काम करने वालों को ही मिलेगा, फिर आप क्या करेंगे जी? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे जो। मैं तेरा बच्चा जी, मेरे पेट के लिए कुछ भी। आप क्या यही करेंगे? आपको कोई समझाने वाला नहीं कि बेकारी अच्छी चीज नहीं? आपके भाई बहन? कोई नहीं। आपके माता पिता? उनका साथ तो कब से छूट चुका है। दीदी बेचारा बिल्कुल यतीम है, इसका इस दुनिया में सिवाय मेरे और तुम्हारे कोई नहीं है। करेक्ट। अगर उस लड़की को पता लग गया कि आप बेकार हैं तो वो भी आपको पसंद नहीं करेगी। सच? हाँ। तो फिर आप फौरन मेरी नौकरी का इंतजाम कीजिए, मैं सच कहता हूँ मैं नौकरी करूंगा, मैं चिट्ठी भी लाया हूँ, यकीन नहीं आता पढ़ कर देख लीजिए, मैं चिट्ठी लाया हूँ। मुझे क्या जरूरत है? सुनिए,
मैं आपके सामने कसम खा के कहता हूँ कि मैं आज से ही मास्टर अभी से अरे घर इस मिनट से इस सेकंड से अच्छा इस सेकंड से ही काम करना शुरू कर दूंगा चाहे मेरे सर पे आसमान ही क्यों ना टूट पड़े चली गई राजा यार मैं जब यहाँ आया था ना तो मुझे ना इस घर में रहने की जरूरत थी और ना नौकरी करने की लेकिन अब मैं दोनों चीजें करूं चलो तुम्हें स्कूल पहुंचा दूं तुम्हें मालूम नहीं मैं रोज पैदल जाती हूँ घर की टैक्सी घर वाले टैक्सी चलाते फिर भी तुम पैदल घूमती हो तुम्हारे तो पाँव में छाले पड़ते होंगे मीना हमारे दिल में छाले पड़ते हैं तुम्हें देखकर हमसे बात करना भी गवारा नहीं माना कि तुम मालिक की बेटी हो तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं नौकर मालिकों के मुंह नहीं लगते तुम्हें सिखा दो ना कि मुंह कैसे लगते हैं सिखा नहीं सकती तो कुछ सीख लो मालिक वो होता है जो तनख्वाह देता है और नौकर वो होता है जो तनख्वाह लेता है तुम्हारे बाप ने तनख्वाह दी नहीं इसलिए वो मालिक नहीं मेरा और मैं नौकर नहीं उसका अलबत्ता तुम्हारा नौकर हूँ गुलाम हूँ अब तुम्हारे तो मैं कदमों का बदतमीज तेरी ये हिम्मत आज ऐसी मजाल हो गई तेरी अपने बात को संभालो नहीं तो दुनिया कहेगी कि मैंने एक अंधे को अपहरण कर दिया चले जाओ मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से तुम्हें तनख्वाह चाहिए ये लो अपनी तनख्वाह आज से तुम्हारा हिसाब चुक गया हिसाब चुका नहीं हिसाब शुरू हुआ अच्छा हुआ उससे छुटकारा मिला मगर अब गाड़ी कौन चलाएगा नहीं चलेगी तो क्या होगा पहले कौन सी टक्सा लगी थी जो अब बंद हो जाएगी मैं कहती हूँ तुम इसे बेच क्यों नहीं देते बापू कैसे बेच दूं बेटी इसमें तुम्हारी माँ के गहने लगे हैं मेरा खून लगा है मैं इसे छूता भी हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता जैसे ये लोहे की बनी कोई बेजान गाड़ी है मुझे तो ये भी अपनी औलाद की तरह लगती है मैं इसे देख नहीं सकता लेकिन इसे महसूस करता हूँ प्यार करता हूँ जैसे मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बेटी प्यार से बेजान चीज में जान पड़ जाती है ना मुझे कभी कभी ऐसे लगता है जैसे ये भी मुझे प्यार करती है इसे कैसे मुझे बोलता हूँ बापू नहीं हम इसे नहीं बेचेंगे बापू हम इसे नहीं बेचेंगे मुझे मुझे माफ कर दो बापू हम मैं कभी नहीं करूंगी चलो बापू अंदर चलो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात नमस्ते जी जी मैं सोचा नौकरी तो मिलती नहीं नाच ही सीख लें ये आपके बस का रोग नहीं नाच सीखने में 10 बरस लगते हैं आप सिखाएं तो 10 बरस बहुत कम है आपके लिए जिंदगी सिर्फ एक मजाक है खेल है हंसी है और कुछ सुझा नहीं यहाँ चले आए कहीं और जाते शायद कोई नौकरी मिल जाती वही तो मिलती नहीं सोच रहा हूँ कब तक आपसे चाय की पत्ती मांगते रहेंगे आपको सचमुच नौकरी की जरूरत है बहुत जरूरत है रोटी और नौकरी का इस दुनिया में सवाल ना हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है जैसे आप खूबसूरत है बस बस आप शायरी के अलावा भी कुछ जानते हैं जी हाँ शायरी के अलावा मैं ड्राइवरी भी कर लेता हूँ सुना है कि आपके घर में ड्राइवर की जरूरत है आप शाम को आइएगा मैं बापू से बात करूंगी जरूर कीजिएगा वरना एक शायर बेमौत मारा जाएगा मैं आपकी शान में कसीदे लिख दूंगा
फरमाइए। नौकरी आपकी हो गई, वो जो दूसरा ड्राइवर था ना वो चला गया। सच? मैं आपका शुक्रिया किस जुबान से अदा करूं, यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं। आप नहीं जानती आपने कितना बड़ा एहसान किया है किसी पर, जब वो सुनेगी कितनी खुश होगी। बेचारी कब से ख्वाब दिख रही है कि किसी दिन मुझे नौकरी मिलेगी, फिर मैं एक छोटा सा घर बसाऊंगा जिसमें कि मैं और वो। वो कौन? वही जो लड़की मुझसे प्यार करती है, जिसकी मैं तस्वीर बना रहा था। इत्तेफाक से उसका भी वही नाम है जो आपका है। बड़ी अच्छी, गुण सुंदरी, गुणवंती, गुण ही गुण है उसमें। आप देखेंगे तो चौंक चौंक जाएंगे। कल ही ले जाऊंगा मैं आपको उससे मिलवाने के लिए। यावा यावा दिल ले गई। एक आदमी धोखे के इल्जाम में गिरफ्तार, नाम बदल के भेष बदल के उसने एक अमीर आदमी और उसकी बेटी को बेवकूफ बनाया। मैं जा रहा हूँ कहीं भी। क्यों? ये देखो। एक लड़की लगन मंडप से भाग गई, प्यार किसी से करती थी, शादी किसी से हो रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात की लड़की ने। तुम लड़की की बात कर रही हो, मैं लड़के का सोच रहा हूँ। लड़की नहीं डरती तो लड़का क्यों डरता है? देखो मालती, एक दिन तुम्हें ये मालूम हो जाए मैं वो नहीं हूँ जो तुम समझ रही हो। जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। नीचे की बात ऊपर आ जाए, अंदर की बात बाहर। अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि जो आने वाला था वो नहीं आया और जो आया है वो नहीं आने वाला है, मेरा मतलब अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए मैं मोहन नहीं हूँ, मोहन किसी दूसरे जंगली का नाम है, तो भी तुम मुझसे मुझसे क्या कह रहे हो? मैं ठीक ही तो कह रहा हूँ। पिताजी देखिए ना मोहन क्या कह रहा। क्या कह रहा है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो टाइप कर रहा हूँ। क्या कह रहा है वो? अजीब उल्टी पुल्टी मार रहा है, कह रहा है शायद एक दिन नीचे की बात ऊपर आ जाए, अंदर की बात बाहर, जो आने वाला था वो नहीं आया, जो आया वो नहीं आने वाला था। What? पूछ रहा था जब मुझे भी मालूम हो जाए वो मोहन नहीं है। मैं समझ गया। क्या समझ गए पिताजी? हमें तू मर्दों को नहीं जानती बेटी। मालती। मोहन ये लीजिए बाबा 30 रुपए। 30 रुपए? हाँ बाबा, जब से आंखें गई हैं रुपया इस घर से जाता है आता कभी नहीं। मोहन। हाँ बाबा। इतने रुपए लाए हो और खर्चा एक पैसे का नहीं बताया। बाबा खर्चा हो तो बताओ ना, मैं गाड़ी ऐसी चलती है जैसे नदी में पानी बहता है। आप आशीर्वाद दीजिए बाबा, इतने रुपए रोज आएंगे। मोहन ये लो तुम्हारा हिस्सा। ना बाबा, हिस्सा हिस्सेदारों का होता है, नौकरों का नहीं। मैंने तुम्हें नौकर तो नहीं समझा मोहन, तुम तो मेरे घर के आदमी हो। मैं घर का आदमी हूँ? बाबा एक बात सुन लीजिए, घर का आदमी बख्शीश नहीं लेता, जरूरत पड़ती है तो मांग लेता है, छीन लेता है, वापस भी कर देता है बाबा। अच्छा ना चलो मोहन, आज खाना यही खाओ। नहीं बाबा, मैं होटल में जाके खा लूंगा। क्यों, घर का खाना असल नहीं होता? मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है मोहन। अच्छा बाबा मैं यही खा लेता हूँ, आप कहते हैं तो मैं गाड़ी रख के आता हूँ। यहाँ कहाँ रहती है वो? कहाँ? वही जिसके पास हम जा रहे हैं, जिसके साथ आप घर बसाना चाहते हैं, वो गुणवंती गुण सुंदरी। वो यहाँ से बहुत दूर है। तो आपने गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? तो सोचता हूँ कि वो कितनी दूर है, आप कितनी करीब हैं।
आप भी क्या बोलिए? आपका मतलब? मेरा मतलब कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो इस आईने में मुझसे कितनी दूर, मैं उसे छू भी नहीं सकता। और आप कितने करीब, कितनी नजदीक। Thank you.
किसी ने देखा एक बार, हंस के किसी ने देखा एक बार है, दिल की मुराद कोई पा गया। सांसों में मिठिया सांसों में मिठाया, दिल तेरा दीवाना है सनम, ओ दिल तेरा दीवाना है सनम। जानते हो तू कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तू कुछ ना कहेंगे हम। मोहब्बत की कसम, 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 मोहब्बत की कसम। मालते जी, पिताजी, हम एक नाटक खेल रहे हैं कैदियों को फिर से बसाने के लिए। लेकिन अंकल, लोग नाटक खेलते हैं देश के बच्चों के वास्ते यतीम खाने बनाने के लिए, ये कैदियों का आइडिया मेरी समझ में नहीं आया। शट अप, दिस इज माय आइडिया, उसमें दखल मत दो, टिकट बिक चुके हैं, हाउसफुल हो चुका है। लेकिन अखबारों में पब्लिसिटी एक बार भी नहीं आई, हाउसफुल कैसे आई? सबके सब टिकट मैंने खुद खरीद लिए। आप अकेले देखने वाले? मैं दोस्तों में टिकट खुद बांटूंगा, समझे? तुम रिक्शा चलाओगे और ये रिक्शा में बैठेगी, अच्छी तरह रिहर्सल करो दोनों। मोहन, चलो रिहर्सल करें। रिहर्सल क्या खाक करें? तुम्हारे पिताजी ये बताना तो भूल ही गए कि जो लड़की रिक्शा में बैठेगी वो रिक्शा चलाने वाले से मोहब्बत करेगी। अब रिक्शा की रिहर्सल तुम्हारे पिताजी करेंगे, हम तुम दोनों मोहब्बत की रिहर्सल कर लें। हटो। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठे, खुशियाँ हैं जिधर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो। रिक्शे पे मेरे तुम आ बैठे, अब मेरा हुनर देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो। चलूं मैं सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली, निकलूं इधर से निकलूं उधर से जैसे सुबह की लाली। दुल की चलूं मैं सरपट चलूं मैं, हर चाल है निराली, निकलूं इधर से निकलूं उधर से जैसे सुबह की लाली। अपने तुम सारा शहर देखो, देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो। रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी, खुशियाँ हैं जिधर देखो, ले पहुँची मुझे किस दुनिया में, चाहत की लहर देखो।
तुम आ बैठे अब मेरा हुनर देखो देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो पे बोझ है मन पे बोझ लेकिन गधा नहीं हूँ चेहरा फकीर दिल बेनजीर दिल का बुरा नहीं हूँ है तन पे बोझ है मन पे बोझ लेकिन गधा नहीं हूँ चेहरा फकीर दिल बेनजीर दिल का बुरा नहीं हूँ कुछ न बना दे ये मुझको तुम अपनी नजर देखो देता है मजे कैसे कैसे अपना ये सफर देखो रिक्शे पे तुम्हारे आ बैठी खुशियाँ हैं जिधर देखो ले पहुँची मुझे किस दुनिया में चाहत की लहर देखो ऐसा कभी हो नहीं सकता एक बड़े घर की लड़की एक मामूली रिक्शे वाले के साथ प्यार करेगी लेकिन ये तो हो सकता है कि एक बड़े घर का लड़का एक गरीब लड़की से प्यार करने लगे वो भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता अमीरी और गरीबी का दिल से क्या रिश्ता रिश्ते और भी है दुनिया में जैसे माँ बाप का रिश्ता जब वो रिश्ते सामने आते हैं दिल पिसते हैं घुटते हैं मजबूर हो जाते हैं मान लो कल तुमसे कोई प्यार करने लगता है जो तुम्हारी तरह गरीब ना हो लेकिन तुम्हारी तरह गरीब बन जाए या तुम्हें अपने जैसा अमीर बना ले तो है ये सिर्फ सिनेमा और थिएटर में होता है अमीर अमीर ही रहता है गरीब गरीब दोनों की दुनिया अलग है किस्मत अलग रास्ते अलग कभी कभी रास्ते मिल जाते हैं मिल भी जाते हैं जिस तरह रात और दिन मिलन एक पल बिछुड़ा उम्र भर का देखेंगे देखेंगे ये नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता दयाराम ने रिपोर्ट भेजी है और लिखा है मोहन की छाती 40 इंच की 40 जाने से पहले मोहन के कपड़े सिले थे तो मोहन की छाती 42 थी और कद 5 फुट 10 इंच मेरी बेटी का कद तो 6 फुट है मेरे बेटे की हर चीज घटने लगी इसमें जरूर कोई भूल भूल आपने की है जो अपना बेटा पराए घर भेज दिया उसे खाने को भी मिलता है कि नहीं चलो आज ही चलते हैं मैं फोन करके पूछता हूँ फोन पर आदमी झूठ भी बोल सकता है मैं उसे अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ अगर आप नहीं चलते तो मैं अकेली चली जाऊंगी अच्छी बात है चलो ड्राइवर दयाराम जंग बहादुर स्टेट ले चलो ड्राइवर कितने पैसे हुए 5 रुपया ये लो थैंक यू ए मोहन भाग कर कहाँ जा रहा है जी जी आपके बाप आए वहां जी जी मेरे बाप आए वो कहाँ है वो टैक्सी वाले को बाहर पैसे दे रहे मोहन पिताजी तो इधर से आ रहे हैं इसलिए तो मैं इधर जा रहा हूँ प्लीज डोंट टच मी हेलो दीवान नमस्ते भाभी मालती भाभी कैसी हो प्रणाम करो मोहन के माता पिता मोहन अब मैं तुझे जाने नहीं दूंगा क्या हुआ हुआ कुछ नहीं होने वाला है मैं मरूंगा तो तुझे साथ लेकर मरूंगा फिकर मत कर
सब ठीक हो जाएगा। तू गाड़ी घर ले जा। अच्छा चल। मालती जी बेटे ऐसे कर, तू इनके लिए चाय का बंदोबस्त कर। अच्छा भाई तुम इतनी देर में बात करो। वो तो सब ठीक है भैया, लेकिन मेरा मोहन कहाँ है? भाभी उसका ऑफिस का टाइम है, मैं अभी लाता हूँ उसको बुलाकर, तुम जाकर हाथ मुंह तो धो। चलो अंदर क्या कर रहे थे? जी मैं मेरे दोस्त को कपड़े दे रहा था। हैं? दोस्त को कपड़े दे रहा था? कौन है दोस्त? जी धोबी। उधर तेरे माता पिता है और तू धोबी को कपड़े दे रहा है, चल उनको मिल। नहीं नहीं अबे चल। नहीं अरे भाग रहा था बाहर, अंदर ले जाइए तो वो लोग क्या समझेंगे। आप मेरे साथ चलिए, नाश्ते के लिए क्या बनाना है बताइए। मोहन तुम अंदर जा। पिताजी। मेरे लाल कहाँ था तू, कितनी देर लगाया? माँ ऑफिस में बहुत काम था और काम तो करते रहना चाहिए, क्यों पिताजी? यस यस काम सबसे पहले। कितना काम करवाते हैं मेरे लाल से, तू तो आधा हो गया, कितना दुबला हो गया है। मैं दुबला हो गया? नहीं तो मां, क्यों पिताजी? नहीं नहीं क्या कह रही हो, अच्छा खासा तंदुरुस्त तो दिखाई दे रहा। करेक्ट माँ, तुम लंबा सफर करके आ रही हो, भूख की वजह से शायद तुम्हें ठीक नजर नहीं आ रहा। बैठ देखो तो। फादर मदर। करेक्ट माँ, मैं फौरन जाकर नाश्ते का बंदोबस्त करता हूँ। क्यों पिताजी? हाँ हाँ भूख तो लग रही। करेक्ट अब क्या होगा? नाश्ता। तुम मजाक कर रहे हो, यहाँ अभी मेरी जान चली जाती। जैसे मैं कहता हूँ वैसे करते रहो, ना तुम्हारी ये जान जाएगी ना तुम्हारी वो जान। मोहन जी अटेंशन। फिर वही डबल आवाज। अंकल मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कई तरह की आवाजें निकाल सकता हूँ। तो फिर निकालो ये डबल आवाज। तो फिर आप फिर से उधर मुंह कीजिए। यस मोहन जी। वेरी गुड वेरी गुड। अलमारी खोलो अलमारी खोलो। और पिताजी से जाकर कहो कि नाश्ता बिल्कुल तैयार है, आ जाए। माँ नाश्ता तैयार है, आप लोग तैयार हैं? क्यों पिताजी? बेटा हम कपड़े बदल कर अभी आते हैं। करेक्ट, आप लोग चलिए मैं ऑफिस होकर अभी आता हूँ। माता जी। नहीं बेटी, मोहन ने नाश्ता नहीं किया, रोटी मेरे गले से नहीं उतरती। भाभी मोहन दफ्तर में काम कर रहा है, काम। तुम नाश्ता करो नाश्ता। ठीक है, नाश्ते के बाद मैं दफ्तर में जाकर उसको देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है। देखो आज तुम्हारी छुट्टी, तुम जाओ। थैंक यू। भाई दयाराम तुम्हारी ये बात पसंद आई कि तुमने घर में ही दफ्तर बना रखा है। सर आपसे कोई मिलने आया है, मद्रास से मिस्टर अय्यर। अय्यर? ओ और तुम मोहन से मिलो, मैं भी आता हूँ। मेजर्स रॉबिन्सन सन्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड 27 शुगर केन स्ट्रीट ग्लासगो स्कॉटलैंड। डियर सर्स वी बात करेगी इज्जत। ये क्या लिख दिया है तुमने? मैंने ग्लासगो कहा, ग्लासगो नहीं। मैंने स्कॉटलैंड यार्ड नहीं कहा, मैंने स्कॉटलैंड कहा। नौकरी करने चले आते हैं,
ये भी नहीं मालूम कि स्कॉटलैंड और स्कॉटलैंड यार्ड में क्या फर्क है। शाबाश पिताजी। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। देखो तुम क्या थे और क्या बन गए। मैं तो कहता हूँ घर चलो और अपना कारोबार संभालो। पिताजी ऐसा नहीं हो सकता। बात दरअसल ये है कि मैंने यहाँ एक दूसरा कारोबार शुरू कर दिया है। जब तक मैं उससे निपट ना लूं घर आना मुश्किल है। करेक्ट? आना भी नहीं चाहिए। मुझे दयाराम से सब मालूम हो गया है। इधर तुमने हाँ कही और उधर शादी की नौबत बजी। शादी? किसकी शादी? मेरी शादी। बाप को बनाता है। मालती तुझे पसंद करती है, उसने हाँ कह दिया। लेकिन पिताजी मालती तो आधी पागल है। I mean she's 50% mad. Oh my child, you are also 50% mad. जोड़ी अच्छी रहेगी। Correct? Not correct. तू भी मेरी जान को पागल क्यों बोला? चुप चुप, पढ़ाया जान वाला। दुआ दे उसको जिसने तुम्हें अपनी जान बख्श दी। मोहन। रॉबिनसन and Sons Private Limited, 27 Sugar Cane Lane, Glasgow, Scotland. An unexpected letter of your delivery van of 1947, 62 and 73. Whatever it is, each and everything is going to be perfect. मैं तुमको बोलता हूँ स्कॉटलैंड लिखने के लिए और तुम स्कॉटलैंड यार्ड लिखते हो। मैं तुमको बोलता हूँ ग्लासगो लिखने के लिए और तुम ग्लासगो खुला लिखते हो। अगर तुमको टाइप करने नहीं आता जाके हार्म में बजाओ, पैरों में बजाओ। यू शट अप, डोंट टॉक इन बिटवीन टू मच। वेरी गुड वेरी गुड, बट रॉन्ग इंग्लिश। तुम्हारे पिताजी कहाँ है? इधर नहीं आए? आए थे, चले गए। क्या प्लान बनाया था, क्या स्कीम बनाई थी? जान पे तो लाख पाए घर के बुद्धू घर को। देखा, हम आज शाम की गाड़ी से बंबई वापस जा रहे हैं। तुम्हारी माँ की जिद है कि तुम हमें स्टेशन तक छोड़ने जरूर चलो। काम करो काम करो। ब्रदर तुम स्टेशन जाओ, तुम्हें गाड़ी का वक्त हो गया है। मोहन कहाँ है, अंदर क्या कर रहा है? उसको बोलो कि इनको स्टेशन तक छोड़ कर आए। अच्छा चलो चलो चलो। अच्छा भाभी नमस्ते। हैं सॉरी यार। अरे मोहन तुम अभी तक यहीं बैठे हो, पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। किसके पिताजी? तुम्हारे पिताजी। जल्दी चलो गाड़ी का वक्त हो गया। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस में जरूरी काम कर रहा था। गाड़ी का वक्त हो गया, जल्दी चलो। गाड़ी का? हाँ जी हाँ। ड्राइवर तुम उधर बैठो, गाड़ी मैं चलाऊंगा। अरे भाई तुम उनके साथ स्टेशन नहीं गए? जी जी जा रहा हूँ। अरे आप जाकर क्या करोगे, मोटर तो जा चुकी है। जा चुकी? हा? मैं अपनी माता जी को प्रणाम भी ना कर सका, पिताजी के पांव भी ना छू सका। खैर कोई बात नहीं, मेरे लिए तो जैसे पिताजी वैसे आप। जीते रहो बेटा जीते रहो, लायक बाप का बेटा लायक ही होता है। जीते रहो, ये पांव छोड़ दो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम। जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार
तो ख्वाब तेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। बाबा गणपत कैसे रास्ता भूल गए? पर तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ बाबा, नया ट्रक खरीदा है। अच्छा, भगवान तुम्हारी रोजी में बरकत करे। ये मीना नहीं आई? वो तो स्कूल गई है पढ़ाने। तो फिर वो कोई दूसरी होगी जिसे मैंने देखा था, तुम्हारी टैक्सी में, तुम्हारे ड्राइवर के साथ बाग में घूमते हुए, हाथों में हाथ लिए, ठीक जैसे कि सिनेमा में होता है। जाओ, चले जाओ यहाँ से। मेरी आंखें गई हैं, हाथ नहीं टूटे अभी। बस नाराज हो गए इतनी सी बात से? ये तो मेरे खून में नमक है, तुम्हारा जो उबल पड़ा और मैं कहने चला आया, वरना मुझे क्या। मीना जो चाहती है वो करे, जिसके साथ जाती है जाए। आंखें तुम्हारी हैं और धूल झोंकती है तुम्हारी बेटी, दर्द मेरे दिल में क्यों उठे? अपने ड्राइवर का गुस्सा मुझ गरीब पर। लोग कहते हैं कि इंसाफ अंधे की लाठी होता है, लेकिन आज देख लिया कि अंधे की लाठी इंसाफ नहीं करती। टुकड़े टुकड़े कर डालो मेरे। लेकिन मैं ये कहकर रहूंगा कि तुम नौकरी दे सकते हो किसी को, गाड़ी दे सकते हो, बेटी नहीं दे सकते। मीना पर मेरा पुराना हक है। गणपत से झगड़ा हुआ? आ गई तू? मेरी अंधी आंखों के सामने बेहयाई का नाटक खेल रहे, इसीलिए तूने मोहन को नौकरी दिलवाई? बाबू तुम गलत समझ रहे हो। मैं सब समझता हूँ। जवान बेटी एक आग है जिसे भड़कने से पहले ही किसी को सौंप देना चाहिए, नहीं वो घर की इज्जत में आग लगाए। तुम्हारी बेटी ऐसी नहीं है बापू। खामोश। टैक्सी में उस लफंगे के साथ बाग में हाथों में हाथ लिए क्या कर रही थी? बोल, मैं बताता हूँ। तू? हाँ मैं बताता हूँ। चला जा यहाँ से। बाबा, हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कमीने ना शुक्रे, मैंने इसलिए आसरा दिया था कि तू मेरे घर की इज्जत पे डाका डाले। मैं तेरा खून कर दूंगा। मीना, दुनिया की बातों से आपके दिल में जो जहर फैला है, अगर मेरे खून से धुल सकता है तो मेरी गर्दन हाजिर है। उठाइए हाथ, मेरा खून कर दीजिए, लेकिन इस बात का विश्वास कीजिए कि आपकी बेटी गंगा की तरह पवित्र और हमारा प्यार सच्चा, बिल्कुल सच्चा। सच्चा प्यार चोरों की तरह नहीं होता। चोर कौन है? मैं सारी दुनिया के सामने छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि मैंने प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। चोर वो है बापू जो तुम्हारे पास आया था तुम्हारी बेटी की खुशी चुराने के लिए। हम तो खुद आ रहे थे आपको बताने के लिए, आपसे इजाजत लेने। मैं नहीं मानता। अगर मेरे प्यार में असर है तो आप क्या, मैं भगवान को भी मना लूंगा। भगवान मेरी तरह अंधा नहीं। बापू छोड़ दो मुझे। माँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे रास्ता दिखाओ माँ, मुझे रास्ता दिखाओ। क्या इंसान के लिए प्यार करना पाप है? आज बापू का अपने खून पर भरोसा नहीं, अपने बेटे पर यकीन नहीं। माँ माँ मुझे बेटी, बेटी मुझे माफ कर, मैंने तेरा दिल दुखाया। बुढ़ापे की वजह से मैं सटका गया हूँ, जवान दिनों की बातें नहीं समझ सका। बेटी बापू, बापू हमें आशीर्वाद दो। अगर आप मुझे अपनी बेटी के काबिल समझे। मोहन बाबा, आज दुनिया तबाह होने को आई है। बदमाश, धोखेबाज, दासों भी भेष बदल के, नाम बदल के एक शरीफ घर में जाता है और एक भोली वाली लड़की को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फुसलाता है।
फंदा तैयार करता है सुनहरे तागों से और एक जाल बुनता है झूठे वादों का। पिताजी आप किसकी बात कर रहे हैं? उसकी जिसने फरेब दिया है। अदालत ने तो उसे 2 साल की सजा दी है। मैं होता तो उसे फांसी पे चढ़ा देता। सर कुछ पुलिस वाले मिलने आए। आए बोले जी मोहन बाबू को पूछ रहे थे। अंदर आओ अंदर आओ। जय हिंद। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? हम एक प्रार्थना लेके आए हैं। हम पुलिस के बूढ़े सिपाहियों के लिए एक फंड जमा कर रहे हैं। उसके लिए हमें एक नाटक खेलना है। हम चाहते हैं कि मोहन बाबू उसमें काम करें। जरूर करेगा जरूर करेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय हिंद। मोहन मोहन रिक्शा वाला। अरे चार के बराबर ये 2 टांग वाला। रिक्शा वाला मैं रिक्शा वाला। अरे चार के बराबर अरे तेरी तो 2 टांग वाला। मैं रिक्शा अरे अरे ये कुंभकर्ण की अम्मा। अरे उठना री सुनती नहीं। देना री रोटी भूख लगी ना मुझे। काय की रे रोटी पानी पी के हुई सो जा। आज रोटी चाहिए पक्की। क्या जबान चला रही ना पटर पटर पटर। हमें सारा दिन घोड़े की तरह रिक्शा में लग को रहते हैं और तुम्हें 2 रोटी बनाए तो तुम्हारे हाथ जल जाएंगे क्या? जले मेरी जूती। हमारी किस्मत ही खराब भाई। हमें प्यार से बात करे तो इन चूल्हे के अंगार की तरह फड़क ले को जाता हूं। अरे ये तो पूछ मैं तेरे लिए क्या लाया हूं। क्या लाया रे? दिखाऊं? देखेंगे तो तुम्हें फड़क जाएंगे ना। कहाँ रे गया देखना। 1-1 रुपया बस बस। क्या सड़ी शक्ल बना को बोल रही ना बस। ये घर की औरतों को क्या बोलना भाई। हमें मर्दा इतना पसीना निकाले तो तब जाको 1 रुपया मिलता। उताच मिलते तो 22 रुपए हैं। बीवी के हिस्से में सिर्फ 1-1 रुपया आता। अरे बाकी का कहाँ जाता है री? ये पूछ अपने इस पापी दिल से या उस छोकरी से जिसको दे के आता। अरे तू फिर वो छोकरी का नाम ले रही ना। आइंदा अगर तू छोकरी का नाम ली तो मैं तेरी कलेजी निकाल कर भून के कुत्ते को खिला दूंगा। हाय हाय चल गई ना कैसे दिल पे बरछी। अगर उसका नाम इतना ही प्यारा है तो जा उसके पास। देख री अगर मैं चला गया ना तो जिंदगी भर मेरे लिए रोएंगी तू तड़पेंगी। जा चला जा तेरी परवाह ही कौन करता है। मेरे पास मेरे बच्चे हैं। हाँ हाँ तो ये बच्चे मेरे भी हैं लेकिन मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। मैं जा रहा हूँ। गधे के बच्चे हट रहे तू। अरे सुन ले रही तू मेरा आखिरी पैगाम तू सुन ले। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना मुझे भूल जाना। जब भूख लगेगी ना 10 दफे नाग हिस्सा आएगा। हाँ हाँ लेकिन जब मैं आऊंगा ना तो मेरे सर पे जूते मारना। 2 लेके आना। तेरे लिए भी लाऊंगा मैं। 1 अपने लिए। अरे खानदान के लिए। हे राम दफा यहाँ से। दफा बोलती है? मैं सचमुच मर गया तो तू जिंदगी भर कुंवारी रहेंगी ना। माटी मिली। गजब हो गया। सुबह से मोहन बाबू गुम है और अभी तक कोई खबर नहीं। छोटी मार्किन का रोना तो देखा नहीं जाता। जेलर साहब ने हुक्म दिया है कि शहर का कोना कोना छान मारो और जैसे तैसे भी हो मोहन बाबू को लेकर आओ।
पुलिस को खबर कर दे। बेवकूफ हो तू, पुलिस में खबर करने से मोहन के माँ बाप को पता चल जाएगा। जेलर साहब क्या बोल दिखाएंगे उन्हें। अटेंशन, लेफ्ट टर्न, मार्च। भूखे पटवा पानी ना ही पिया था, दर्द हो जाए पहले कुछ खाए लो। आपकी तारीफ। राम कसम, आज तो तोहर तारीफ करे को जी चाहता। ये मुछिया मुड़ाए के जिसवा बदल के बहुत खूबसूरत लगा था। ये ला, इसे रगड़ जा। रगड़? केला खाते हैं, रगड़ते नहीं। और मेरे पास पैसे नहीं है। ओए होए होए, जैसे तू रोज तिजोरी खोल देते रहे। मुंह खोल, मैं खिलाई देती हूँ। नहीं, आज तो बहुत नखरा करा था, पिछले दिनचर्या रोज कहाँ रहा। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। कहाँ कह सकत हो, तुम्हारी हमारी बात किसे नहीं मालूम। और तो और तुह जरुआ को भी मालूम। जरुआ? बहन मेरी कोई जरूरी नहीं। हाय दैया, शर्म नहीं आया था हमरा के बहन कहे तोता चसक। जुरवा से इतना डरा था तो इतनी बेशर्मी से हमार किला क्यों खा था। अजीब मुसीबत है, मान ना मान मैं तेरी मेहमान। जाओ जाओ, जाकर कोई और दूसरा बेवकूफ ढूंढो, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा और कहूंगा जबरदस्ती मेरे गले पड़ती है। बुलावा बुलावा, बहुत देखा ने ऐसे पुलिस बुलावे वाले। अरे ये अखिया किसी और को दिखावा, हम तो हर जुरवा नहीं है कि तोहर जूती भी खाए और तोहर जूती चाटी भी। अरे कौन है मेरी जोरू, तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ। मैं बताती हूँ तू कौन है। आपकी तारीफ। ये कौन है? ये राम। अरे ओ मोले वालो, ए शांता, ए शांता। हाय राम, मेरा खसम मेरे से पूछता मैं कौन हूँ। आपकी तारीफ, ये लखनऊ से आया। तुम जानती हो खसम क्या होता है? हम बतावत है खसम का हो। खसम वो हो कि केले किसी औरन के खात और पैसन जरूरन को देत। हाँ, खसम कौन हो, खसम वो हो बच्चे बीवी पाले और दिलो पैसे दूसरी से दे। मैं सुनाता हूँ, मैं तुम लोगों को बताता हूँ खसम क्या होता है। खसम वो होता है जो शादी करता है, लेकिन मैंने शादी नहीं की तो मेरी जोरू कहाँ से आएगी। मैं खसम कहाँ से बनूंगा मेरी माँ। भैया सुन लो, भैया तुम्हारा बहन भाई मुझे माँ कहता, मेरी सौगन के सामने मेरी छाती में मुंह डल रहा। तुम तो खाली पीली हलकन हो रही हो, ये फिर भी नशा करके आया होगा। आपकी तारीफ। अपन वो है जिसने बहन दी है, तुम वो है जिसने बहन ली है। देखो भाई, जरा आइस पे बात करो। मैं छोटे दिल का आदमी हूँ, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी बहन कौन है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुंवारा हूँ। क्या? अभी देखता हूँ। अजीब मोहल्ला है, इसमें लोग आंखों के बजाय हाथों से देखते हैं। भाई साहब ये मेरी गर्दन है, एक बार अगर टूट जाएगी तो जुड़ेगी नहीं। सच कहोगे? नहीं कहूंगा तो क्या मरूंगा। तूने भांग पी है? हाँ पी है। कितनी? इतनी। अरे इतनी? ओ बाप रे, ए उठो। अबे क्या कर रहा है? लेकिन मैं तो एक गिलास पीऊंगा, दो घड़े क्यों? मैं तेरा पीना पीना आप ही सीखा देगा। इस मोटे को अरे पापियो, कठोरो, कसाईयो, अगर तुम लोगों को निहलाना है तो गर्म पानी से निहलाओ। कौन तुम्हारा बाप? अपना बच्चों को नहीं पहचानता? प्यार करो उन्हें। मेरे बच्चे, मेरे कलेजे। मेरे बच्चे? अरे बच्चे बच्चे में क्या फर्क है? तेरे बच्चे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे तेरे बच्चे, कच्चे। मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मुझे यहाँ से बचाओ, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं फंस गया हूँ। भैया ये नशा नहीं भूत है। भूत? पुजारी को बुलाते हैं। काली कल
बंदर की बेटी पर पाकिस्तानी काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली तेरी शक्ति मेरे ना शक्ल दया करम दीवा किस वीरान से किस शमशान से किस कब्रस्तान से तेरी नगरी में घुसलाया है जो अपने पुत्र को पुत्र नहीं मानता मेरा कोई पुत्र नहीं है मैं खुद नरम पुत्र हूँ जो अपनी पत्नी को पत्नी नहीं मानता मेरी शादी नहीं हुई है नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई नहीं हुई बोलो बोलो जादूगर हम तुमसे कुछ नहीं कहते तो तुम हमें इतना मारते हो लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे ये बहुत बड़ा खतरनाक भूत है इसको उल्टा लटका दो उल्टा बोल बोल तू कहां से आया है बंबई में एक जगह है अंधेरी मैं वहां से आया कमबख्त बंबई के अंधेरे से आया वापस अंधेरे में चला जा भाग जा भाग जाऊंगा तुम एक बार मेरी टांगे खोलो फिर देखो मैं कैसे भागता हूँ यहां से कहां जाओगे वापस अंधेरी लौट के तो नहीं आओगे मामा के पास फिर कभी नहीं मेरी तौबा खोल दो देखा ये तो कुछ भी नहीं इससे बड़े बड़े भूत हमने युग ठीक कर दिए मोहन मोहन मुझे यहाँ फंसा कि तू कहाँ बैठा है मोहन मोहन का भूत सोन के शरीर में जाने से पहले कुछ खाएगा खाऊंगा क्यों खाएगा तुझे खाऊंगा क्या कहा तुझे खाऊंगा चाचा तुम लोग मुझे मिलके जहर क्यों नहीं दे देते जहर नहीं राम ये आग खाएगा आग खोलो मुंह खोलो तीर खाए
अजब तीर थे वो नजर भी ना आए, क्या हम पे गुजरी तुम्हें क्या बताए, के बे मौत मारे गए हम बिचारे। सलामत रहे आपकी ये जफाएं, के बे मौत मारे गए हम बिचारे। मोहन बाबू, मगर ये भेज क्या बना के रखा है? भाई से भेज भेज क्या रहे बोल रहा है तू? मालूम होता है ऊपर के खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है। भाई कौन सा खाना रे? भाई मैं तेरा खाना खराब कर दूंगा, याद रख। कोई खाना नहीं मोहन बाबू। भाई कोई मोहन कौन रे? मैं सोहन हूँ सोहन। आप जो कहे सो ठीक है, आप घर चलिए। घर घर मैं कभी नहीं जाऊंगा, मेरी जिंदगी में मैं घर नहीं जाऊंगा। मैं रात को मेरी औरत को दिया 1 रुपया, उन्हें रुपया लेके मेरे सर पे कथक डांस करी ना, मुझे गालियां दी, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा। ऐसा मत कहिए, आपके लिए बहुत रो रही है छोटी मालकिन। छोटी कौन, केले वाली? अरे ये दोनों मिलके मुझे तड़पाए, अब मैं ये दोनों को तड़पाऊंगा। मैं सड़क पहुंच अपना दम दे दूंगा, घर नहीं जाऊंगा। मरे आपके दुश्मन, आप तो हमारे साथ मोटर में बैठ के बंगले में चलिए। बंगले में? जी हाँ, और आराम से रहिए। तुम्हें 3 टाइम का खाना देंगे क्या? क्यों नहीं देंगे, 3 टाइम का खाना। तुम्हें खाना दे दो और रिक्शा दे दो। रिक्शा क्या, कप्तान
दिलाएंगे। ऑटो रिक्शा, मुझे ऑटो रिक्शा दिलाएंगे। फिर तो मैं सर के बल चलूंगा ना। हो आप मोटर में चलिए। नहीं भाई, मैं रिक्शा में आता हूँ। पकड़ लेने मारा मारी ना करो रे, टुकड़ा कर डालूंगा रे। हट रहे क्या रे, हाई भी समझ को ला रही। मेरी आंखों के नूर, चश्मे, बद्दूर बहुत अच्छे लग रहे हो ये बटन जैसी मूछ लगा कर। डाय बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं जी, बैठो बैठ जाओ, ऐसे ही शाबाश जी। तो कह रहा है सर, देखा है दुनिया। अबे हो इडियट गधे, अब मैं तुम्हें असली दुनिया दिखाता हूँ। 6 दिन से कहाँ गायब रहा है? क्या अभी तक यही सीखा है कि जो सामने आए उसको काट खाए? पागल हो गया क्या? पागल किसे बोल रही थी तुम्हें? तुम ना रख के ना, तुम ना उल्टे हाथ का दिया तो तुम्हारी बत्ती सी उखड़ जाएंगे। क्या बोलने वाला आया था? ऑटो रिक्शा दिला तुम बोला था। तू कौन रहे बुड्ढा? अरे बुड्ढा तेरा था। बेटा तुम मुझे पहचानते नहीं? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मोहन। जय हजरत, दिमाग अपेलों का खराब है ना? बोलने को जा रहा हूँ मैं सोहन हूँ, सोहन हूँ, सोहन हूँ। अबे सोहन और मोहन में फर्क कुछ नहीं समझ रही ना? फर्क अच्छी तरह समझता हूँ, फर्क सिर्फ सस्से और मम्मे का है। तू सस्ता नहीं, मम्मा है बेटे, यानी के मोहन मेरा होने वाला दामाद। दामाद बना रही क्या तुम्हें? अजी घर की जोर को क्या करूंगा मैं, 3 बच्चे है ना उसके, मेरे खुद के बच्चे वो। बच्चे? हाँ। पिताजी। कौन जी? ये बेटा तुम्हारी बेटी है। क्या बोल रही है तुम्हें? मेरी बेटी है, मेरी। तुम्हारी है क्या? बड़ी अच्छी है ना। मोहन तुम मुझे नहीं पहचानते, अपनी मालती। मालती? तुम्हें मेरी मालती क्या? ये मेरी मालती घर में बैठी ना, उन्होंने बात आ बाद में दे पाई, पहले डंडा मार पाई ना। ओह गॉड, इसको पकड़ लो और काल कोठरी में डाल दो। खबरदार, मुझे कोई हाथ लगाया मैं उसके टुकड़ा टुकड़ा कर डालूंगा। बड़े मियां, मैं तुम्हारे भी टुकड़ा टुकड़ा करूंगा ना। अरे मां तेरा कीमा बनाकर रख दूंगा, कट पीसेस कर दूंगा। दबा निकालो। क्या बोल रही तुम? जय मुंह बंद करो जी, बदबू आ रही तुम्हारे मुंह से। जबान देखता ही देखो। और जरा, और जरा, इतना लंबा निकालो जी, कुत्ते की जबान समझे क्या? नहीं डॉक्टर साहब, ये लोग मिल के मुझे भूखा मार दिए, कुछ खाने को तो भी दो जी। खाना दे दो। अरे क्या रे, चिड़िया का पैर समझा कर, डाल रहे सब, डाल रहे घूम, डाल रहे पूरा है क्या? तुम्हें क्या खिला रही हूँ? जाके और ले गया। जय हजरत, ये पट्टी का जरूरत है भाई? ये घर का रिवाज क्या? कोई खाना खाया तो कोई देखो रोता है ना? क्या बात भाई? ये बात नहीं, आज आप बहुत कम खा रहे हैं ना, इसलिए आपकी सेहत की फिक्र हो रही है बेचारी। फिक्र विकर नहीं हजरत, इन्हों मेरी सेहत से जल नहीं, ये तो कुछ भी नहीं मियाँ, तुम्हें हर खिला दो मुझे इतना वास्ता मेरे हाथ में, रिक्शा देखो देखो, हूँ भागूंगा, हूँ पसीना निकालूंगा, इससे डबल खा सकता हूँ मैं, कहा है तुम्हें। डॉक्टर, मैंने तो सुना था पागल कम खाते हैं, लेकिन वो तो 10 आदमियों का खाना अकेला ही खा रहा है। पागलों की भी कस्में होती हैं, ये कुछ दूसरी तरह का पागल है। कैप्टन साहब, आपको यकीन है ये वही आदमी है जिसे आप ढूंढ रहे थे? डॉक्टर, तुमने उसका मुआयना किया है या उसने तुम्हारा कर डाला है? क्या हम आपने होने वाले दामाद को नहीं पहचानता? कमाल करते हो। राय माटी मिले, मेरी रिक्शा कहाँ है रे? रिक्शा? जाता कहाँ है रे? रिक्शा वाले, रिक्शा लाख दे रो, रिक्शा मिले। पिताजी। डॉक्टर, रिक्शा? यही मैं पूछता हूँ, मरीज के दिमाग में ये रिक्शा कहाँ से आया? वो मोटर का गाना क्यों नहीं गाता? हवाई जहाज का जिक्र क्यों नहीं करता? आप
समझा मैं, आप समझा। और डॉक्टर, उसने रिक्शा का नाटक खेला था, नाटक खत्म हो गया और रिक्शा शुरू हो गया। पागलों का दिमाग एक पुराने रिकॉर्ड की तरह होता है, सुई जहां अटकती है अटक जाती है। उसे कह दीजिए रिक्शा ले जाइए, हम ऑटो रिक्शा लेते हैं। ऑटो रिक्शा कौन रो दिला रहा है मुझे? मैं बोल रही हूँ। मोहन बेटे, मैं तुमको लेकर दूंगा ऑटो रिक्शा। तुम्हें मेरे को दे रही क्या? क्या मैं अपने दामाद के लिए इतना सा काम भी नहीं कर सकता? तुम्हें दिलाएंगे, तुम्हें देखो मैं कैसे चलाता हूँ। देखे ऑटो आगे निकल रही, बोल पीछे रह गए ना। देखो धक्का मारो जी, मारो जी। मोहन, तुझे मालूम है दो दिन से मैं रोटी नहीं आग खा रहा हूँ। जलते हुए काफूर कभी निकले हैं तुम्हें? मैं अनोखी ही अच्छा था, न जाने ये मोहन बनने का भूत मेरे सर पर क्यों सवार हुआ। ऐसा लगता है मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खा ले। ए राजा, स्टेपनी का पंचर ठीक करवा के ला। अब ठंडी हुई पेट की आग? वो तो हो गई ठंडी, लेकिन अब तक रुआ रुआ भड़क रहा है। तुम्हें मालूम नहीं मोहन, मैं किन जालिमों के पल्ले पड़ गया था। तुम्हारे सब कष्टों का एक ही इलाज है, चुपचाप जेल साहब के घर वापस चले जाओ। नहीं, वहां रोज पुलिस आती है, मैं अगर गया तो सीधे तुम्हारे घर जाऊंगा बंबई, और वहां पहुंचकर श्री दीवान बद्री प्रसाद जी से कहूंगा कि चल के देखिए कि आपका बेटा क्या नाटक रचा रहा है। कुछ तो एक लड़की की खातिर ड्राइवर बना फिरता है और मुझे मुझे फांसी के फंदे पर लटका रहा है। यही फल मिला हमारी दोस्ती का, यही इनाम है हमारी नेकी का। जहाँ इतना सबर किया, चार रोज और सही। नहीं नहीं, सबर का फल कड़वा होता है। क्या शक्ल बनाता है? अच्छो, मैं जाता हूँ बंबई। अब रो अनोखे, बोल अनोखे। लारी का नंबर देखा तुमने? नहीं मास्टर, लारी वाला तो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह भाग गया। चल के बाबू को खबर कर दे। ना राजा ना, उस बेचारे का दिल डूब जाएगा। तुम्हें मालूम है कि गाड़ी को औलाद की तरह चाहता है। लेकिन मास्टर, औलाद भी जख्मी हालत में कब तक रास्ते पर पड़ी रहेगी? कभी ना कभी तो उसे घर पहुंचाना ही होगा। पुलिस की रिपोर्ट के बाद ले जाना, मैं बैंक से रुपए लेकर आता हूँ। अच्छा। ये सब कुछ हुआ उस समय मोहन कहाँ था? कहाँ था मोहन? मैं बताऊं कहाँ था? अपने घर गया करोड़पति बाप से मिलने। करोड़पति बाप? हाँ, वो तो चोचला था एक रईस का, कि ड्राइवर बनकर यहाँ नौकर हो गया। छोकरी के लिए नौकरी कर ली, वरना दस दस गाड़ियां खड़ी हैं उसके दरवाजे पर। गणपत, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ मैं कहता हूँ यहाँ से। और तो मुझे लाठी इस वक्त भी अंधे के हाथ में है, और अंधे की लाठी इंसान नहीं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आऊंगा, और उस वक्त आऊंगा जब तुम मुझे बुलाओगे, समझे? अरे जाजा बापू, अंदर चलो बापू, मैं कहती हूँ अंदर चलो। कैसे जाओ बेटी? आंगन में लाश पड़ी, ये मेरे दिल का टुकड़ा इधर कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? मीना, अब आए हो? जब पूरी कहानी खत्म हो गई, तुम्हारी अपनी गाड़ी नहीं थी ना, इसलिए रास्ते पे छोड़कर चले गए। मैं पूछती हूँ, तुम्हारी माँ के गहने लगे होते इस गाड़ी में,
तुम्हारे बाप का फोन लगा होगा तब तो मैं जानबूझकर नहीं गया था मीना। छोड़ दो, सिर्फ इसलिए मैं कुछ इंतजाम करना चाहता था। मैं 3000 रुपए लेकर आया हूँ, ये देखो रुपए लेकर आया हूँ। इससे गाड़ी ठीक हो सकती है, नहीं हो जाएगी गाड़ी इससे। रुपए मुझे मालूम नहीं था, पहले तुम घाव दोगे छिड़कने के लिए नमक ले आओ। ये तुम्हें आज क्या हो गया मीना? यही मैं भी पूछती हूँ, दुनिया में झूठ क्यों कहना पड़ता है, इतना फरेब क्यों देने पड़ते हैं? मैंने फरेब दिया है। और किसने दिया है? तुमने कहा नहीं था मेरी माँ नहीं है, बाप नहीं है? मैंने ये नहीं कहा। कहा था, और ये भी कहा था, मैं गरीब हूँ, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं, नौकरी नहीं। हाँ, मैंने ये कहा था। झूठ कहा था सब। एक ने झूठ के पीछे जो सच्चाई है वो तो देखो, ये तो सोचो कि मैंने झूठ क्यों कहा था। क्यों कहा था? इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर वही झूठ, फिर वही फरेब। मेरा प्यार फरेब नहीं हो सकता, समझे? मैं भी साबित कर दूंगा। ले जा रहा हूँ अपने माँ बाप के घर पे। इस झूठ के पीछे जो सच्चाई है तो अपनी आंखों से देखो। अरे बताओ ना उसे क्या हुआ है? बताओ ना कहाँ है मीना? मीना? मैं बताता हूँ क्या हुआ है। घर पर? उसे मोहन ले गया। मोहन? हाँ, गाड़ी में भगाकर। अरे पुलिस को बुलाओ ना, पुलिस को इतला कराओ, घर पर कुछ करो। पुलिस बहुत देर में आएगी, जब तक लड़की न जाने कहाँ की कहाँ पहुँच चुकी होगी। नहीं नहीं गणपत, कुछ करो, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ है, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, मेरी इज्जत बचा लोगे? तो जरूर बचाऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, अपने लिए। बैठ जी रहो, तुम्हें साथ चलना है। सामने बैठे। क्या बात है? अंधेर हो गया सरकार, घोर अंधेर। दिन दहाड़े का मामला भरा बाजार, और वो जालिम लड़की को भगा कर ले गया, एक अंधे बाप की बेटी। हाँ मालिक, उस बेचारी ने तो बड़ी चीख पुकार की, मगर वो जबरदस्ती उसे मोटर में बिठा कर ले गया। नाम पता जानते हो उसका? जी हाँ सरकार, उसका नाम है मोहन, बम्बई का रहने वाला है। बाप का नाम है दीवान बद्री प्रसाद, धोखेबाज यहाँ आकर ड्राइवर बन गया था।
टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर मेरा बेटा? लड़की भगा ले गया? इम्पॉसिबल, कोई और मोहन होगा। मेरा बेटा तो ऊटी में कैप्टन दयाराम जंग बहादुर के यहाँ रहता है। What? मोहन भाग गया है? जी हाँ, खुद भागा है और साथ एक लड़की को भी भगा ले गया है। इंस्पेक्टर साहब, मोहन तो कमरे में बंद है, वो भागेगा क्या और भगाएगा कैसे? मैंने अपने हाथ से ताला लगाया है, ये रही चाबी, आइए मैं दिखाऊं उसको। आइए मोहन, मोहन, मोहन। इंस्पेक्टर साहब, सचमुच ही भाग गया है। यस, कौन बोल रहा है? पुलिस स्टेशन जी, मोहन पकड़ा गया है, कार नंबर BMU 3036 में भागने की कोशिश कर रहा था। आप शिनाख्त के लिए फॉरेन पुलिस स्टेशन पहुंच जाइए। कमाल हो गया इंस्पेक्टर साहब, आपका महकमा आजकल कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। आदमी भागता बाद में और पकड़ा पहले जाता है। मोहन थाने में है, बेटी का भावनी में उसको कान से पकड़ कर यहाँ लाता हूँ। आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरे साथ आइए। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब कहाँ है मोहन? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था शनाख्त करने के लिए। आइए, ये रहा मोहन। मोहन ये? नमस्ते दादाजी। नमस्ते। अरे वाह भतीजे, हवालात में जाते ही सबको चाचा जी बुलाना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब, ये हमारा मोहन नहीं है, हमारा मोहन ये है, इसको ढूंढिए। वो भी आता ही होगा। मोहन पकड़ा गया। शक्ल तो बिल्कुल फोटो जैसी है। ले जाओ, बंद कर दो इसे। अभी मेरे हाथ पावा सलामत है, मैं खुद चल को जाता हूँ ना। मालिक, मेरी किस्मत के मालिक। साहब, मोहन पकड़े गए। मोहन? दो मोहन तो पहले ही बंद हैं। फिर तीसरे को क्यों तकलीफ दे रहे हैं भाई? बंद कर दो इसे भी। अच्छा छोड़ो। अरे मालिक सुन ना रे, अरे मालिक, अरे मेरी फरियाद सुन। अरे जब मैं पैदा हुआ था तब अकेला था, अब तू कहां से आया रे? मेरे को कुछ नहीं मालूम। क्या रे नहीं मालूम? तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई ना। अरे छोड़, अंदर चला। छोड़ रे तू। मैं कहता हूं मोहन कहां है, किसको लेके भागा है, ये सब क्या बकवास सुन रहा हूँ? मैंने अपना बेटा तुम्हारे पास भेजा था, तुमने हवालात में भेज दिया। भाभी, जो हवालात में है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, उसका तो दिमाग बिल्कुल ठीक है, हमारे मोहन का दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। पागल? हाँ। मैं तुमसे ना कहती थी कि अपने बेटे को पराए घर मत भेजो। भाभी फिक्र मत करो, आ जाएगा, पागलों का यही होता है, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी चले जाते हैं, आकर चले जाते हैं, आकर फिर कभी बाहर हो जाते हैं। है कहाँ वो, है कहाँ? भाई पुलिस में फोटो दे दिया, पुलिस उसका पता जरूर लगा लेगी। पुलिस में फोटो दे दिया है तूने? ये इस पागल स्पीकिंग, सॉरी कैप्टन स्पीकिंग। ओह माय गॉड, I am puzzled. जो क्या हुआ? अरे होना क्या है, दो मोहन और पकड़े गए हैं, पुलिस वालों ने पहचान के लिए बुलाया है। चलो भाभी चले, बेटा हम आते हैं। चलो। इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को पहचानिए। क्या कह रहे हो दयाराम? I'm sorry. वो दोनों मोहन कहाँ है, हमें दिखाइए। आइए मेरे साथ। हाँ भाभी आओ। राय बड़े मियां, न रहे बांस न बजे बंसरी, लेकिन बंसरी तो बज गई ना। पहले तुम्हें हमना दामाद बना रहे थे, अब दामाद बना को ये दूसरी ससुराल में भेज दिए ना। अंकल इसकी नहीं, मेरी सुनिए, इसको नहीं, आप दामाद मुझे बना रहे थे। आपके घर दामाद के साथ यही सलूक होता है क्या? ये क्या बकवास है, कौन है ये दोनों लोफर? बताओ मेरा मोहन कहाँ है? अरे मैं तो सिर्फ होने वाला ससुर हूँ, तुम बाप हो, तो तुम पहचानो कि इन दोनों में से तुम्हारी औलाद कौन है। इनमें से कोई मेरी औलाद नहीं है। कोई तुम्हारी औलाद नहीं है? क्यों झूठ बोलते हो? आज पता चला है कि झूठी इज्जत बचाने के लिए कभी कभी आदमी अपने खून को भी नहीं पहचानता। माँ, माँ, मोहन, बेटा दयाराम, यही है मेरा बेटा मोहन। खून ने खून को किस तरह पहचाना? बेटा मोहन एक बात बताओ, ये क्या गोरख धंधा है? दयाराम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम दयाराम को नहीं पहचानते। पिताजी बात यह कि आपने मुझे इनके पास भेजा था और मैंने अपनी जगह किसी और को भेज दिया,
लेकिन जिस जुर्म के लिए मैं पकड़ा गया हूँ वो मैंने नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मुझे भी मीना की उतनी ही तलाश है जितनी कि आपको है। आप ये छोड़ दीजिए, मैं उसे लेकर आता हूँ। कुछ कुछ इंसाफ कीजिए आप। इंसाफ बाद में होगा, पहले शनाख्त होगी। तीन तीन मोहन पड़े हैं हवालात में, जुर्म एक, मुजरिम तीन। मैं बताता हूँ तीनों में मुजरिम कौन है। इंस्पेक्टर साहब, मुजरिम ये है मोहन व दीवान बद्री प्रसाद। असली मुजरिम तो लड़की ही बताएगी। जब तक लड़की नहीं मिलती तीनों मोहन यहीं रहेंगे। मैं कल ही दुनिया का सबसे बड़ा वकील सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। देखता हूं आप मेरे बेटे को कब तक हवालात में रखते हैं। चलो जी आओ, आओ दयाराम। राजा, गणपत अभी बाहर गया तो उसका पीछा कर। देखो जाता कर। कैदी भाग गया है हवालात से। भाग गया है? मीना दीदी, मीना दीदी। राजा, राजा। दीदी रावण आ रहा है, लेकिन तुम जी नहीं छोड़ना। रावण आएगा तो राम भी आएगा। तुम तो साय से भी डरती हो। खबरदार मुझे छुआ तो। फिर वही छूतछात, फिर वही मालिक नौकर का सवाल। ड्राइवर की बेटी को ड्राइवर पसंद नहीं, लेकिन वो लखपति नहीं आएगा। फिर मैं करूंगा, सब लोग आएगा। हवाला दूर सही, लेकिन तुम्हारी मौत नजदीक है गणपत। राजा, मीना को ले जाओ यहाँ से।
पहुंच गया जहां तुम्हें बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। मोहन देखा। शाबाश मिस्टर मोहन, मैं तारीफ करता हूं तुम्हारी बहादुरी की। अरे बेटा किसका है? अरे दामाद किसका है? अंकल! दामाद वो नहीं आपका, दामाद तो यहाँ बंद है सलाखों के पीछे, हमको खोलो। I'm sorry, इंस्पेक्टर, प्लीज इसको खोलो। हवलदार जय इंस्पेक्टर साहब, कोई अपने दामाद को छुड़ा रहा है, कोई अपने बेटा को छुड़ा रहा है, हम भी तो अपनी जोरू के मर्द है ना, हम ना छोड़ो ना। शटर 384 छोड़ दो इसे। ए, जा कहां रही हो? अभी मुझे वो जुर्म करना है जिसके लिए मैं हवालात में बंद था, तुम्हें यहां से भगा ले जाना है। खबरदार, हम तुम दोनों को शादी के बंधन में जकड़ने आए हैं। मां, अरे सोहन दामाद, दामाद तो तुम्हें ना, हमना तो जेलर साहब ने यह ऑटो रिक्शा दिलाई ना। जय हजरत, क्या हंस रही तुम्हें? तुम्हारी शादी की खुशी में मैं एक सबक देता हूँ तुमना, तुम्हें लिख के रख लो, ये शादी और ऑटो रिक्शा में कोई फर्क नहीं, दो सवारियां बैठ सकती हैं, तीसरा आया तो इस पे वजन पड़ जाता और इन्हें फिर हल्लू हल्लू चलने को जाती ना। नहीं समझे? अभी 3-4 साल तक कैलेंडर नको। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम, जानते हो तू कुछ ना कहेंगे हम, जानते हो तू कुछ ना कहेंगे हम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम, मोहब्बत की कसम।